नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ही खबर मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। आज पटना PMCH में इंदिरा नगर की मरीज महिला की मृत्यु हो जाने के बाद परिजनों ने जबरदस्त बवाल काटा। कहा यह जा रहा है कि डॉक्टरों द्वारा उचित देखभाल नहीं करने और इलाज सही ढंग से नहीं करने के कारण उस महिला की मौत हो गई, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि महिला गंभीर बीमारी से ग्रसित थी, उसका इलाज चल रहा था लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। मृत्यु होने के बाद परिजनों ने PMCH में काफी उत्पात मचाना शुरू किया और अस्पताल के अंदर में तोड़फोड़ प्रारंभ कर दिया। काफी हो हल्ला, तोड़फोड़ और उत्पात के बाद PMCH के सुरक्षा कर्मी ने भी लाठियां भाजना प्रारंभ कर दी। फिर क्या था, युद्ध का मैदान PMCH बन गया। एक ओर सुरक्षा कर्मी, दूसरे ओर परिजन, परिजन और सुरक्षा कर्मी के बीच में काफी लाठियां चली। पुलिस तक को आना पड़ा, फिर पुलिस वालों ने परिजनों को पीट पीट कर अस्पताल से बाहर किया और इस प्रकार की स्थिति आए दिन होती चली जा रही है। लोग अपने आप से बाहर हो जाते हैं। डॉक्टरों के यहाँ मृत हो जाने के बाद परिवार के लोग अपने आप को काबू में नहीं रख सकते और डॉक्टरों से उलझ जाते हैं। डॉक्टरों को पीटे जाने के कारण ऑल ओवर भारत में डॉक्टरों ने हड़ताल किया था और सुरक्षा का मांग किया था, फिर जाकर सरकार ने सुरक्षा देने की वादा करी। तो डॉक्टर इलाज करते हैं और मर जाने पर सारा दोष डॉक्टर के मत्थे मर दी जाती है। कहां तक यह उचित है यह कहना बड़ा मुश्किल है। परिजन अपने आप से बाहर हो जाते हैं, यह भी उचित नहीं है। डॉक्टर इलाज कर सकते हैं, डॉक्टर भगवान नहीं है। हर डॉक्टर की यही इच्छा होती है कि मेरे द्वारा जितने भी मरीजों की इलाज की जाती है सारे मरीज सही सलामत अपने घर तक पहुंच जाए। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं कहते कि मेरे मरीज मेरे हाथ से मर जाए, लेकिन प्रश्न तरह तरह का उठना प्रारंभ हो जाता है। उचित इलाज नहीं, देखरेख सही नहीं, दवा नहीं दी गई तो इलाज ढंग से नहीं की गई, तो यह तो प्रश्न उठना लाजमी है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियां है, चाहे डॉक्टरों में हो, चाहे परिजनों में हो, चाहे मरीजों में है, चाहे आम लोग में हो, कि हम सब अपने आप से बाहर हो जाते हैं तुरंत और कुछ भी कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा फिर हमें भुगतना पड़ता है। क्यों हम अपने आप से बाहर होते हैं, क्यों नहीं हम विचार विमर्श करते और जानने का प्रयास करते और उचित निर्णय लेते। आज यह भारत के हर व्यक्ति के अंदर में इस प्रकार की भावनाएं देखी जाती है कि लोग अपने आप से बाहर हो जाते हैं। यह आम जनता की बात मैं नहीं कर रहा, आम जनता के अलावे शीर्ष पदों पर बैठे पदाधिकारी हो या नेतागण हो या ऊपर लेवल के नेतागण हो, छोटे लेवल के नेतागण हो, हर जगह यह स्थिति टकराव की बन रही है। कब रुकेगा यह, कब हम समझेंगे, कब हम अपने मानसिकता को कंट्रोल में रखकर किसी भी चीज का उचित अनुचित का निर्णय लेंगे। नहीं निर्णय लेने का ही नतीजा है आए दिन अस्पतालों में झंझट झमेला होना, तोड़फोड़ होना, मरीज को नहीं बचाने का आरोप डॉक्टरों पर लगना। यह सोच का विषय है दोस्तों। इस विषय में आप सोचें और कमेंट में लिखें कि आप क्या सोचते हैं। साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को लाइक करें,
और सब्सक्राइब करें लाल बटन बेल दबाकर और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें ताकि यह मैसेज लोगों तक जा सके और लोग अपने आप को अपने कंट्रोल में रखें। धन्यवाद।